अभी हम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में हैं और हम यहाँ बैठे के मैच देख रहे थे, तो खेला भी थोड़ा, तो सोचा क्यों ना अगर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में जो छोटी सी मार्केट है उसमें कुछ खाने की टॉप्स में दुकान है, जहाँ मैं खाया हूँ और मैं मुझे खाना अच्छा लगता है, तो वहाँ 4-5 शॉप हैं जिनके बारे में सोच रहा एक वीडियो बना, टॉप 5 सस्ता भी और अच्छा भी खाना, तो उसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी यहाँ पे मैच भी होने वाला है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं मैं यही ग्राउंड में हूँ। तो 5 दुकानें हैं, तो जैसे हम आज से ही नाम ले लेते हैं, एक सालू भाई की मोनिस नॉनवेज पॉइंट, और नफीस की मुरादाबादी बिरयानी है, और नसीर भाई की मरहबा मेस है, और बिलाल भाई की बिलाल दुकान है, वहाँ पे पराठा और बिरयानी मिलती है, और एक ड्रीम ढाबा है, जहाँ ढाबा जहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा अच्छा, मतलब बैठ के खाने के लिए एकदम ढाबे जैसा फील आता है। तो वही सारी चीज़ें हम ये दिखाएंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग देखें और समझें। आप लोग नए हैं, आते हैं यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आता तो मेरी वीडियो देखेंगे तो शायद आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। और भी दुकानें अच्छी हैं, लेकिन हमने इनको 4 टॉप 5 में चूज़ किया है। दुकानें तो बहुत सारी हैं, गनूज की है, और एक और दो शॉप है, जैसे कि क्या नाम है उनका, इंडियन ढाबा है, और उधर आगे और आगे जाएंगे तो इधर जैनुल की है, बहुत सारी शॉप है, लेकिन हमने 4 टॉप 5 में चूज़ किया है, जहाँ मैं खाया हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, उन सारी चीज़ों की वीडियो बना रहा हूँ। आइए चलिए देखते हैं। हमारे वे नफीस भाई हैं जो इंटीग्रल के फेमस बिरयानी वाले और आदाबादी बिरयानी, जिनकी बिरयानी 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मिलती है। बिरयानी इनके देखिए क्या धुआं मारती है, क्या बिरयानी, ओह वो लजीज बिरयानी। तो अगर आप इंटीग्रल में रहते हैं और लॉकडाउन में फंस जाएं, तब भी बिरयानी भाई देंगे हमारे। और इधर मसाला बिरयानी है, ओह वाओ, इन्हीं का ये हाथों का कमाल है, कैसे घुमा फिरा रहे हैं ये हमारे नफीस भाई। नफीस भाई बताएं, आपकी दुकान कब तक चलती, कब तक रहती है बिरयानी? हमारी दुकान सुबह 10 से ओपन होती है, रात के 11 बजे तक। और बिरयानी कैसी देते हैं? बिरयानी 50 की क्वार्टर, 250 ग्राम देते हैं, 90 रुपये की आधा किलो, 180 रुपये की फुल। डिलीवरी भी तो करते हैं, 2 किलोमीटर डिलीवरी फ्री। हाँ देखो, जिसको भी मंगाना हो अगर आसपास हो तो ज़रूर इनको कॉन्टेक्ट करें। अभी हम थोड़ी बात करने वाले हैं होटल के बारे में। जैसा कि शालू भाई का होटल है, वो बीफ का होटल है, उसमें आपको कबाब, ठीक है, शीरमाल, नान, कोरमा, ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि एक मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, मतलब एक स्टूडेंट बजट होता है ना, उसी में मिलेंगी। तो आप जाके विज़िट करें, शालू भाई हमारे जानने वाले भी हैं, तो हम उनका थोड़ा प्रमोशन कर रहे हैं। और अगर मरहबा मेस की तरफ जाएंगे, तो मरहबा मेस में आप देखते होंगे कि वहाँ पे आपको नॉनवेज भी थाल के रेट में मिलेगा और वेज भी मिलेगा। नॉनवेज में आपको कोरमा मिल जाएगा, चिकन क्या कहते हैं वो, चिकन मसाला मिल जाएगा, और चिकन काली मिर्च है, बटर चिकन है, ऐसे आपको एक थाल के रेट में मिल जाएगा, जो कि एक बजट में है, स्टूडेंट के बजट में रहता है। और अगर जैसे बिलाल भाई के यहाँ जाएंगे, तो बिलाल भाई के यहाँ आपको मिलेगा कीमा, मिल जाएगा बड़े का बीफ का कीमा, मिलेगा कबाब, मिलेगा अंडे की भुर्जी, पराठा, और बिरयानी भी उनकी काफ़ी फेमस है इंटीग्रल में, कि बिलाल भाई की बिरयानी, बिलाल भाई की बिरयानी, ऐसे लोग बताते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं इंटीग्रल या इंटीग्रल में रह रहे हैं, तो इंटीग्रल में इन जिन लोगों की मैंने जिक्र की अपनी वीडियो में, इन लोगों में आपको इंटीग्रल में खाना मिल जाएगा। इन लोग का होटल अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल में कोई नहीं है, पूरा खाली इंटीग्रल, कुछ ही बच्चे होंगे तब भी इन्होंने खोल के रखा है, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट को का ध्यान रखते हुए, बहुत से स्टूडेंट हैं जो घर नहीं गए हैं, उनके लिए सारी चीज़ें उन्होंने करके रखा है, थोड़े ही बनाते हैं, लेकिन आपको खाना मिल जाएगा। 10 बजे तक आप आइए, 10 बजे तक मिल जाएगा, ये इनका कहना भी है, और खाना भी अच्छा मिलता है, हमने अपना खाया, मेरा एक्सपीरियंस है, कई लोग भी हैं, आप हमारे कई दोस्त लोग, हम लोग सब लोग मिलके खाते हैं, अच्छा रहता खाना, ऐसा नहीं है खाना ख़राब रहता है, कम पैसे लेते हैं, बजट खाना अच्छा खाना रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। एक ड्रीम ढाबा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये इंटीग्रल बॉयज़ हॉस्टल के जस्ट बगल वाली गली में है, अगर आप आते हैं तो सामने आपका ड्रीम ढाबा है, सामने।
ऐसे ही रखना पड़ेगा।